हेलो दोस्तों, तो फ्री रेंज फार्मिंग देसी पिक फार्मिंग में आपका स्वागत है। एंड अभी सुबह के 8 बजे है, तो हम आए हैं अभी देसी पिगलेट को खाना डालने के लिए एंड उसको उनको फीड देने के लिए। तो आपको मैं दिखाऊंगा आज हम मिनरल मिक्सचर उनमें कैसे ऐड करते हैं। एंड आप देख सकते हो अभी देसी पिगलेट सब आ चुके हैं। तो देखो दोस्तों, देसी पिगलेट आ चुके हैं सब खाने के लिए, बेहतरब है। तो हम इन्हें अभी मिनरल मिक्सचर डालेंगे। तो आपको मिनरल मिक्सचर कैसे डालते हैं वो दिखा सकते हैं आपको। तो ये देखिए अभी आएंगे वो फिर से, सब आ चुके हैं। तो कई दोस्तों का मुझे फोन आया था कि आपके पास कोई मेल या फीमेल मिल सकती है। तो दोस्तों थोड़ा रुकना पड़ेगा क्योंकि मैं कुछ भाई लोग आए थे, हमारे सब्सक्राइब थे, तो आके लेके जाए ले मेल फीमेल। तो सब हमारे फीमेल अभी ब्याही हुए, उनके छोटे छोटे बच्चे, तो बच्चे कुछ बड़े हुए, तो आपको मैं उनमें से आपको करके दूंगा। तो दोस्तों ये देखिए न्यूट्रल मेड, ये कुछ ऐसा मिनरल मिक्सचर आता है जो आप देसी पिगलेट को या बकरी और मुर्गी और जिसको भी आप दे सकते हो, गाय भैंस सबको चलता है ये चारा। तो आप जो अपना पिगलेट रहता है ना, उनको आप होटल वेस्ट में भी मिलाकर दे सकते हो। और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, महीने में इसका रिजल्ट दिखता है। तो कटिंग के लिए भी जो माल रहता है अपना, तो कटिंग का माल अपन अलग कर लेते हैं बाड़े में। तो मैं उनको भी आपको दिखाऊंगा कि कटिंग का माल हमने कैसे साइड को किया है, उनको अभी खस्सी किया है, तो अभी वो भी बन रहे हैं। तो उनमें भी हमें मिनरल मिक्सचर दे सकते हैं। और कोई बात नहीं कि आपने अपने जो बच्चे, तो बच्चे अभी सब मादी को भी आप दे सकते हो, जो भी आई हो उनको, जो बच्चे है सभी को, तो आप उनको भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। छोटे बड़े सब खा सकते हो, उन्हें कुछ भी ऐसा कुछ भी थॉट नहीं आ सकता। एंड बच्चे की भी हालत उसमें तंदुरुस्त रहती है, तो ये दे सकते हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसे हम कैसे मिक्स करते हैं ना। तो दोस्तों ये देख सकते हो, ये जो हमारा ड्रम है वो 40 लीटर का ड्रम है। तो 40 लीटर के ड्रम में सिर्फ एक चम्मच से मिनरल मिक्सचर आप डाल सकते हो ना, तब भी ये चलता है, क्योंकि पिगलेट को ये बहुत असर करता है। तो ज़्यादा नहीं डालने का, सिर्फ इसको एक चम्मच जो ऐसा फूल करके ऊपर से ऐसे छिड़क देने का है, छिड़क दे के। और कुछ जो अपना जो लकड़ी विकड़ी रहता है ना, हाथ से ऐसे हिला के इसे नीचे से ऊपर कर लेने का है। थोड़ा सा जोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो देखिए दोस्तों ऐसे डाल देने का उसमें, और थोड़ा बहुत पानी भी ऐड कर सकते हो आप, क्योंकि मिनरल मिक्सचर की वजह से वो पानी भी पी लेते हैं। मिनरल मिक्सचर की वजह से वो पानी भी पी लेते हैं, जितना भी पानी आप डालेंगे उसमें। अरे आप देख सकते हो सभी के सभी पिगलेट अभी अच्छे से खा रहे हैं। ये कुछ हमारे छोटे पिगलेट है, वो भी अभी फील्ड में आ रहे हैं, तो उनको भी हम अभी थोड़ा खाने का बंदोबस्त उधर किया है हमने बाजू के। तो आपको मैं वो भी दिखाऊंगा कि जो हमने मेल जो खस्सी कर रहे हैं अभी इधर के जो मेल थे हमने वो कटिंग के लिए रखा है उधर माल हमने, तो आपको वहीं पे भी लेके चलता हूँ। चलो आप देख सकते हो, और ये इन्होंने ये फील्ड खा रहे हैं, तो उनकी तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो, तो कुछ ये ऐसा हमने इनको खस्सी करके एक अलग बाड़े में शिफ्ट किया है, क्योंकि इनको कटिंग के लिए तैयार करना है। तो बाहर जो रहता है तो बाहर अच्छे से वजन नहीं पकड़ते हो,
कटिंग की वजह से, तो इसलिए हमने इनको एक अलग से ऐसा बाड़ा बनाया है। तो जो हमारा फ्री रेंज फार्मिंग के जो पिगलेट है उनमें के हमने मेल इसमें ऐड किए है, तो मेल को हमने खस्सी कर दिया है। तो आप देख सकते हो ये इनको हमने कल कल ही डाला है इधर, तो इसलिए ऐसा दिख रहे है। तो आप देख सकते हो जब वो अच्छे से तगड़े हो जाएंगे तो मैं आपको वीडियो डाल दूंगा इनका भी, है ना, आप देख सकते हो। तो दोस्तों ये देखिए हमने इन्हें भी होटल वेस्ट डाल दिया है, तो कुछ खा रहे हैं, कुछ खड़े हैं खा के, देख सकते हो।